नेक्स्ट टॉपिक इज हेलिकल एंटीना। इट इज ए थ्री डायमेंशनल एंटीना। द हेलिक्स इज ए थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्रिक फॉर्म। ए हेलिकल वायर ऑन ए यूनिफॉर्म सिलेंडर बिकम्स ए स्ट्रेट वायर व्हेन अनवांटेड बाय रोलिंग द सिलेंडर ऑन ए फ्लैट सरफेस। व्यूड एंड टू एंड हेलिक्स प्रोजेक्ट्स एज ए सर्कल। दस ए हेलिक्स कंबाइंस द ज्योमेट्रीज ऑफ स्ट्रेट लाइन, सर्कल एंड ए सिलेंडर। इन एडिशन हेलिक्स हैज हैंडेडनेस। इट कैन बी आइदर लेफ्ट हैंडेड और राइट हैंडेड। लेट मी एक्सप्लेन अगेन इट। किसी वायर को आपने किसी बॉटल पे या सिलेंडर पे लपेटा है। वायर अपने आप में क्या है? एक स्ट्रेट लॉन्ग वायर एंटीना है, एक स्ट्रेट लॉन्ग वायर है। अब आपने उसको एक बॉटल पे लपेटा है, इसका मतलब है आपने उसको एक सिलेंडर पे लपेट दिया है। तो उसने कौन सा शेप ले लिया? सिलेंडर का शेप ले लिया। अब आप बॉटल को बीच में से निकाल दीजिए तो जो मिलेगा दैट इज अ हेलिक्स। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि आपने स्प्रिंग देखी होगी, ये स्प्रिंग जैसा लगेगा। ठीक, ओरिजिनली है क्या? ये एक लॉन्ग वायर है। हमने इसको शेप कौन सा दे दिया है? एक स्प्रिंग का शेप दे दिया है। अगर मैं इसके दोनों एंड को पकड़ के खींच दूं तो ये वापस लॉन्ग वायर बन जाएगा। और अगर मैंने इन दोनों को कंप्रेस कर दूं, दोनों को आपस में चिपका दूं, तो क्या मिलेगा? मुझे एक सिंपल सर्कल मिलेगा। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ? लॉन्ग वायर ये है, सिलेंड्रिकल ये है, और अगर आपने इसको कंप्रेस कर दिया तो लूप ये भी है। तो इसके पास तीन ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज हैं, एक स्ट्रेट वायर की, एक सिलेंडर की और एक लूप की या सर्कल की। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपने उसको बॉटल के ऊपर कैसे लपेटा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ये बताता है वो लेफ्ट हैंडेड है या राइट हैंडेड है। ठीक, अब हम इसके बाद इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं। मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। हमारे पास एक वायर था जिसको हमने सिलेंडर के ऊपर लपेटा है। ठीक, इस सिलेंडर के ऊपर लपेटने के बाद ये जो डी है, ये डायमीटर ऑफ हेलिक्स है, यानी उस सिलेंडर का डायमीटर है जिसके ऊपर हमने इस वायर को लपेटा है। सी क्या है? सी सर्कमफेरेंस है उस सिलेंडर का, यानी कि सी इज इक्वल टू पाई डी। किसका सर्कमफेरेंस है? उस सिलेंडर का जिसके ऊपर हमने इसको रोल किया है। एस क्या है? इट इज द स्पेसिंग बिटवीन टू टर्न्स, सेंटर टू सेंटर। इस टर्न का सेंटर और इस टर्न का सेंटर, ये आपस में जितने दूर होंगे उस स्पेसिंग को हम बोलेंगे एस। ठीक, अल्फा क्या है? ये आपको यहां दिख नहीं रहा है, आगे दिखेगा। अल्फा है पिच एंगल। देन व्हाट इज दिस एल? ये एल है लेंथ ऑफ वन टर्न। इस टर्न के बीचों बीच से अगले टर्न का मिड पॉइंट, इसमें जितना वायर कंज्यूम हुआ उसको हम बोलेंगे एल। एन है नंबर ऑफ टर्न्स, हमने कितने टर्न लपेटे हैं उसको हम बोलेंगे एन। ए है उसकी एक्सियल लेंथ, पूरी की पूरी, पूरा एंटीना जितना लेंथ का है वो लेंथ हो गई ए। और ये जो डी दिख रहा है ये उस वायर की थिकनेस है जिसको हमने रोल किया है इसके ऊपर। ठीक, तो क्या किया? एक वायर लिया, उसको एक सिलेंडर पर रोल किया। उस सिलेंडर पर रोल करने के बाद जितनी पूरी लेंथ हुई है उसकी, उसको हमने ए कहा है। एक टन की जो में जो वायर कंज्यूम हुआ है उसको हमने एल कहा है। ठीक, ये कंस्ट्रक्शन हम अभी आगे और कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। अब आपके सामने एक फिगर है जो कोएक्सियल केबल से स्टार्ट हुआ है। एज वी नो कोएक्सियल केबल हैज ए इनर कंडक्टर एंड आउटर कंडक्टर। अप टू ए जो आ रहा है डायग्राम में वो है कोएक्सियल केबल, और उसके बाद इनर कंडक्टर को ही हमने आगे एक्सटेंड किया है और उसी से पूरा एंटीना बनाया है। तो ए और बी के बीच के जो पाथ है उसको हम बोलते हैं फीड वायर। यहां से भी एंटीना स्टार्ट नहीं हुआ है, एंटीना स्टार्ट हुआ है बियॉन्ड पॉइंट बी। तो बी के बाद जो भी है, जितने भी टर्न्स हैं, वो हैं हेलिकल एंटीना के। बी के पहले अप टू ए क्या है? फीड लाइन है, और ए के पहले क्या है? कोएक्सियल केबल है। नाउ इफ वन टर्न ऑफ सर्कुलर हेलिक्स कंडक्टर इज अनरोल्ड ऑन ए फ्लैट प्लेन, द रिलेशन बिटवीन स्पेसिंग एस, सर्कमफेरेंस सी, टर्न लेंथ एल एंड पिच एंगल विल बी लाइक दिस। ठीक, ये एंगल है, इसको हम कहेंगे अल्फा, ये हमारा एल है,
ये हमारा एस है और ये हमारा सी है जो इक्वल है पाई डी के। और डी क्या है, अगेन जिस सिलेंडर पे हमने इसको लपेटा था उसका डायमीटर है। अब अगर दो टर्न के बीच की डिस्टेंस आप बढ़ाते जाएंगे तो ये एस जो है वो बढ़ता जाएगा, और अगर एस बढ़ेगा, आप देख रहे हैं सी तो कांस्टेंट रहेगा, अगर मैं इस एस को यहां तक एक्सटेंड कर दूं तो सी तो उतना ही रहेगा लेकिन क्या बढ़ जाएगा, एल बढ़ जाएगा, क्योंकि अब आपने टर्न दूर दूर कर दिए हैं तो पूरे को एक बार लपेटने में आपको ज्यादा वायर यूज करना पड़ेगा। ठीक, सो सी विल बी कॉन्स्टेंट एस डिपेंड्स ऑन द स्पेसिंग बिटवीन टू टर्न्स। वन टर्न ऑफ हेलिक्स इज अनरोल्ड ऑन ए प्लेन सरफेस, द सर्कमफेरेंस पाई डी, स्पेसिंग एस, टर्न लेंथ एल एंड पिच एंगल अल्फा आर रिलेटेड टू एल स्क्वायर इज इक्वल टू एस स्क्वायर प्लस पाई डी होल स्क्वायर पाइथागोरस। सो एल स्क्वायर इज इक्वल टू एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बिकॉज पाई डी इक्वल्स टू सी, और टेन अल्फा इक्वल्स टू एस अपॉन सी, और वी कैन से एस अपॉन पाई डी, सेम थिंग। फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन राइट एल इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एस स्क्वायर प्लस पाई डी होल स्क्वायर, एंड फ्रॉम दिस इक्वेशन वी मे राइट अल्फा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एस बाय पाई डी। ये जो दो इक्वेशंस हैं ये हेलिकल एंटीना की कंस्ट्रक्शन की इक्वेशंस हैं, आपको इन दोनों को फॉलो करना है जब भी आप हेलिकल एंटीना को कंस्ट्रक्ट करेंगे या उसको डिजाइन करेंगे।